विक्की कौशल की सैम बहादुर रिलीज हुई थिएटर्स में 1 दिसंबर को। क्लैश किया भी किसके साथ? एनिमल के साथ, जिसकी हाइप बहुत ज्यादा थी। तो जैसे इस मूवी की थीम है ना, एक आर्मी ऑफिसर की बायोपिक, भाई उसी हिसाब का इसका रुतबा भी है, या फिर आप कहो डर का कोई मतलब है ही नहीं। उन्होंने कहा हम सामने रिलीज करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, इसको नुकसान तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एनिमल से आधे बजट में बनी है। बात करेंगे कि ये मूवी कैसी है, क्या एनिमल को मैच कर पाती है, मतलब एनिमल वाला लेवल इसमें आ रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो ये दोनों मूवीज काफ़ी अलग अलग है। इनका मतलब एक तरह से जॉनर बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक टिपिकली मास एक्शन मूवी एनिमल आपको देखने को मिलती है, जिसको एडल्ट रेटिंग मिली है, जिसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन वहीं पे सैम बहादुर को आप पूरी फैमिली के साथ लेके जाइए। एक भी ऐसा सीन नहीं है भाई जो मतलब एक बच्चा भी उसको आराम से देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर मैं सैम बहादुर को एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये मूवी से ज़्यादा मुझे एक तरह की डॉक्यूमेंट्री लगी है, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की बायोपिक दिखाई गई है कि मतलब एक आर्मी ऑफिसर कैसे स्टार्ट लिया। क्योंकि ये मूवी दो पार्ट्स में, एक बिफोर इंडिपेंडेंस, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। शुरू में इंडिपेंडेंस से पहले जो अंग्रेज थे वो भाई हमारे पे राज करते थे, जो हमारी तब भी इंडियन आर्मी हुआ करती थी उसमें सैम मानेकशॉ थे, और इंडिपेंडेंस के बाद उनको ऑफर किया गया, उनको बुलाया गया कि भाई आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने खुद की चॉइस के कारण इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और सर्व किया काफी लंबा, और बने इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल। इस मूवी की सबसे अच्छी बात है विक्की कौशल। उस बंदे ने मतलब जो एक्टिंग करके दिखाई है, जो अपनी रेंज दिखाई है ना, वो कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। उस बंदे ने ऐसी ऐसी मूवीज की हैं, उसके बाद जब उरी कर दी, उसके बाद अब ये सैम मानेकशॉ कर दी, तो भाई मतलब देखने को मिल रहा है कि ये इंसान कॉमेडी वाली मूवीज तो कर सकता है, हल्के फुल्के जिसमें फैमिली ड्रामा हो वो तो कर ही सकता है, लेकिन बड़ी मूवीज भी बोलते हैं ना कि आप इनके शोल्डर्स पे लेके चल सकते हैं। क्योंकि इस मूवी को इन्होंने ही अपने शोल्डर्स पे उठा के लेके चले हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज हो, बोलने का तरीका हो, जैसे जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, उनका जेब में हाथ डालने का तरीका, बोलने का तरीका, अपने सोल्जर्स को ट्रीट करने का तरीका, वो मतलब काफी हद तक उन्होंने मैच किया है। मतलब अगर सैम मानेकशॉ की कुछ पुरानी वीडियोज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई डिफरेंस है ही नहीं, तो इसलिए भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं पे इस मूवी की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो वो मुझे उस लेवल पे पसंद नहीं आई है। क्योंकि इस मूवी का क्या है ना, देखो आजकल मूवी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, कभी आपको पास्ट में ले जाएंगे, कभी प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, फिर प्रेजेंट में, जिससे इंटरेस्ट बना रहता है, आपको एक फील रहती है कि नहीं भाई आगे क्या होगा, या फिर ये प्रेजेंट में हुआ है तो ये किस रीजन से हुआ, तो उसका पास्ट दिखाया जाता है, तो मूवी इंटरेस्टिंग बनती है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन पे शुरू से शुरू, मतलब एक ऐसी टाइमलाइन शुरू होगी कि भाई जब सैम मानेकशॉ ने ज्वाइन की थी आर्मी तब से लेके और जब तक उन्होंने सर्व किया इंडियन आर्मी में, वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, ना कोई पास्ट ना कोई प्रेजेंट, सिंपल लाइन पे चल रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्री लगती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्री लगने का रीजन ये है कि जो भी वॉर वाले सीन्स हैं वो मतलब शूट किए ही नहीं गए हैं, उनको मतलब पुरानी ही फुटेजेस उठाई गई हैं, पिक्चर्स उठाई गई हैं, वही आपको मूवी में दिखाई गई हैं। हाँ, अगर इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, अगर वॉर वाले सीन्स को शूट किया जाता, लेकिन उन्होंने मतलब बोलते ना सारा फोकस रखा कि हम बायोपिक बना रहे हैं तो हम उसी बंदे के आसपास घूमें, वॉर से ज़्यादा उनको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं था। अब जैसे अगर आप ये समझिए कि उरी मूवी होती और उरी मूवी में जो सारे सीन्स है एंड में, जो भी मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उनकी जगह आपको पुरानी कुछ फोटोज या फिर कुछ वीडियोस दिखा दी जाती जिसको आप कहते कि नहीं भाई ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो शायद आप भी ये चीज़ कहते ना कि नहीं भाई उरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। वो जो इंटरेस्टिंग फैक्टर लेके आना, एक्साइटमेंट लेके आना, लोगों के बीच सस्पेंस लेके आना कि आगे क्या होगा, वो ये मूवी करने में मतलब नाकामयाब सी फील होती है। लेकिन फिर भी जो भी इसका स्क्रीन प्ले है वो ठीक है। फर्स्ट हाफ मतलब और काफ़ी अच्छा हो सकता था, सेकंड हाफ नो डाउट इंटरेस्टिंग है, शुरू होता है, चीज़ें अच्छी तरह दिखाई जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं मतलब जिसमें सैम मानेकशॉ अपने सोल्जर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है। कुछ गाने आते हैं, ये सारी वॉर की सिचुएशन है जिसमें 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उस टाइम की सारी सिचुएशन दिखाई गई है। तीसरी चीज़ आ जाती है बैकग्राउंड म्यूजिक, वो मूवी का अच्छा ही है, मतलब ऐसा कोई भी कंप्लेंट करने वाला रीज़न नहीं है, गाने भी ठीक ठाक हैं, कोई ऐसे अननेसेसरी गाने नहीं घुसाए गए हैं मूवी में कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया, ठीक ठाक चल रही है मूवी। ज़्यादातर उसी से कनेक्टेड रहती है कि नहीं भाई जो हमारा टॉपिक है कि नहीं भाई सैम मानेकशॉ सर की हमने बायोपिक दिखानी है, उनका सारा जो भी उन्होंने किया, जैसे किया, जो भी वो करते थे, क्यों करते थे, वो दिखाना है, तो वही उन्होंने दिखाया। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि एनिमल या फिर सैम बहादुर। देखो, जो अगर तो कोई फैमिली वाला बंदा है भाई, फैमिली के साथ देखना चाहता है, तो उसके लिए एनिमल वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन हाँ,
अगर आप अकेले देखना जा रहे हैं या फिर कंफर्टेबल है कुछ भी देखने के लिए, तो आप एनिमल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। लेकिन हाँ, उसका भी सेकंड हाफ काफी नॉर्मल देखने को मिलता है। और जो सैम बहादुर है उसका वही उल्टा है, फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा नॉर्मल है, सेकंड हाफ ठीक है, लेकिन हाँ उतना ठीक नहीं है जितना एनिमल का फर्स्ट हाफ है, क्योंकि उसमें आपको एक्शन, वो डायलॉग डिलीवरी, वो मतलब बोलते हैं ना कि एक अलग ऑरा देखने का मिलता है जो रणबीर कपूर का, वो तो भाई मैच नहीं किया जा सकता था, और कुछ भी कर लो वो मैच करना बहुत ही मुश्किल है। इन दोनों की कलेक्शन भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जहां पे एनिमल 3 दिनों में 300 करोड़ पे पहुंच रही है वर्ल्ड वाइड, वहीं पे सैम बहादुर 30-35 करोड़ पे ही पहुंच रही है। तो हाँ, सैम बहादुर और अच्छी बनाई जा सकती थी डायरेक्शन में, मतलब उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से सिर्फ एक स्टोरी दिखा दी गई है, ये सीन्स हैं, मतलब एक टाइम स्टैम्प है कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इंडो चाइना वॉर है, इंडिया पाकिस्तान वॉर है, जब वो फील्ड मार्शल बने उन पर एक इंक्वायरी बैठी, ये सब कुछ हमने दिखाना है, तो वो दिखा दिया गया है। लेकिन मूवी को और अच्छा बनाया जा सकता था अगर कुछ सस्पेंस डाला जाता, अगर ये दिखाया जाता कि नहीं भाई आगे क्या होगा, हमें लगता वो थ्रिल आता, तो मूवी अच्छी बन सकती थी। लेकिन ठीक है, एक बार आप ज़रूर देख सकते हो, ऐसी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है कि नहीं भाई एक बार देखी भी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ और अच्छा बनाया जा सकता था। यही था मेरा कुछ ओपिनियन सैम बहादुर के बारे में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।